दोस्तों आज हम थ्रोन ऑफ सील की न्यू ट्रेलर 46 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं अरेना बैटल हॉल की बाहर की व्यू को, जहां पर काफी ज्यादा ऑडियंस अरेना को देखने के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं। और उसी के साथ ही अब हम अरेना बैटल हॉल की बंदर की व्यू को देखते हैं, जहां पर सबसे पहले फाइट हुआ चेन और लिसन दरमियान में होती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों अरेना बैटल हॉल में आ जाते हैं और अब हम देखते हैं उन दोनों के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी लिसन फाइट के दौरान हुआ चेन से कहती है, ब्रदर हुआ चेन, अगर मैं तुम्हारे डिफेंसिव शील्ड को छोड़ने में कामयाब हो जाती हूँ तो तुम कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे। यदि अगर मैं तुम्हारे डिफेंसिव शील्ड को तोड़ने में नाकामयाब होती हूँ तो मैं खुद ही इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाऊंगा। जिसके साथ ही इस पर हुआ चेन भी मान जाता है। और अब हम देखते हैं कि लिसन अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है। इधर हुआ चेन भी अपनी डिफेंसिव शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी का ओरा बाहर निकलती है। और उसी के साथ ही हम देखते हैं इन दोनों के दरमियान में ऐसे ही फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। और इसके अगले सीन में हमें यांग वेंजाओ को दिखाते हैं, जो कि अरेना बैटल हॉल में आ गया था और उसकी फाइट प्लान समना से होने वाली थी। तभी ऑडियंस में बेटे कुछ लोग बातें करने लगते हैं। बेशक यांग वेंजाओ काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसके लिए उसका अपोनेंट एक प्लांट समनर है, क्योंकि वो दूर से ही अपनी काफी ज्यादा प्लांट से अटैक कर सकती है, जिसकी वजह से यांग वेंजाओ उसकी प्लांट्स को रोकते रोकते तक जाएगा और इसीलिए वो हार भी सकता है। और इधर हम यांग वेंजाओ को देखते हैं, जो कि इन लोगों की बातों को सुन लेता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो बड़ी तेजी से उन सभी प्लांट्स को खत्म करते हुए सीधा प्लांट समनर के पास पहुँच जाता है और सीधा अपनी तलवार को उसकी गर्दन के पर रख देता है। और यह सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और इसके अगले सीन में हम थर्ड कैंडिडेट को देखते हैं, जो कि सायर होती है और वह भी बैटल हॉल में अपनी अपोनेंट से फाइट करने के लिए आ गई थी। इधर हम उसका अपोनेंट को देखते हैं, जो कि एक हैट हंटर था। तभी वो हैट हंटर सायर को देखकर कहता है, क्या मैं अब ऐसी लड़की से फाइट करूंगा जो देख नहीं सकती? ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि मैं एक आउटस्टैंडिंग फाइटर हूँ, जो कि आज तक मैंने किसी भी मैच को नहीं हारा है, और मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। अगर मैंने तुमसे फाइट की, सभी लोग मुझे कहेंगे कि तुम एक अंधी लड़की को हराकर जीते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं इस कंपटीशन को जीतना चाहता हूँ। ये कहते ही वो अपनी हैट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सायर पर काफी ज्यादा हैट से अटैक कर देता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। लेकिन इधर हम सायर को देखते हैं, जो कि इन सभी हाथ से बड़े ही आसानी से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बच जाती है। पर तभी सायर को किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल कर लेती है, जिसके मदद से वो उसकी अपोनेंट पर अटैक कर देती है। ये देखकर हाल में बैठे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यह सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं सायर के बचपन की लाइफ को, जहां पर वो सोचने लगती है कैसे हाओचेन ने उसकी जान बचाई थी और साथ ही वो कैसे हाओचेन से मिली थी। तभी हम देखते हैं कि अब वो अपनी प्रेजेंट टाइम आ जाती है और आते ही हाओचेन से कहती है कि हाओचेन, अब मैं तुम्हें डार्कनेस वर्ल्ड में जाने से बचाओगे। ये सुनकर हाओचेन उसे कहता है, सायर, अब मैं तुम्हारे साथ एक सूरज बनकर रहूंगा। और यह कहकर वो झूला झुलाने लगता है और यह ट्रेलर यहीं पर खत्म हो जाता है। और इतना कहते ही आज का हमारा ट्रेलर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।